अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। CDS के लिए करंट अफेयर्स चल रहे हैं, आज इसका रहेगा पार्ट 8। अगर आपने पहले 7 पार्ट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है सीरीज, तो चलिए देख लेते हैं। इसके अलावा CDS का 2020 का बैच चल रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स से लेकर मॉक्स, गाइडेंस, सेक्शनल मॉक्स, आपको सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा AFCAT की GK की ईबुक अवेलेबल है। AFCAT की GK की बुक पर डिस्काउंट चल रहा था 8 से 10 अक्टूबर, इस डिस्काउंट को अवेल करने की लास्ट डेट आज है, तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो डिस्काउंट प्राइस पे आज रात 12 बजे से पहले आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है क्या। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए, पेंशनर्स के लिए, उनके लिए ये स्कीम है। पहले क्या था, ये 1954 से जो है स्कीम चली आ रही है, लेकिन ये कुछ ही सिटीज़ में थी। पहले सिर्फ 14-15 सिटीज़ में होती थी, अब ये एक्सटेंड हो चुकी है 71 सिटीज़ तक, और टारगेट है कि इसको 100 सिटीज़ तक जो है लाया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या है, हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को। अब पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स बनाए जाते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स, उन्हीं का नाम चेंज करके जो है वो क्या रखा गया, वेलनेस सेंटर्स। आपने सुना होगा वेलनेस सेंटर्स, तो अब ये टारगेट है कि जो हमारे वेलनेस सेंटर्स है वो लगभग 100 सिटीज़ तक जो है आएंगे, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। प्लस अभी अभी जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी है, उन्होंने क्या किया है, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ जो है भवन जो इनॉग्रेट किया था, कहाँ पर, RK पुरम, न्यू दिल्ली में, तो ये उन्होंने इनॉग्रेट किया, जिसकी वजह से ये स्कीम जो है फिर से न्यूज़ में आ गई है। वेलनेस सेंटर क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, तो यही था इसमें कि इसमें किन लोगों को बेनिफिट मिलता है, तो ये मिलता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को। तो चलिए चलते हैं आगे देख लेते हैं AWeb। तो देखिए, ये इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या AWeb, जनरल असेंबली ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इस तरह से वर्ल्ड की जो इलेक्शन बॉडीज़ है उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई हुई है। तो इसकी मीटिंग अभी अभी 4th जनरल असेंबली की मीटिंग कहाँ हुई, ये हुई बेंगलुरु में। दूसरी चीज़, इंडिया चेयर करेगा 2019 से लेकर 2021 तक AWeb को, यानी कि इसकी चेयर जो है अब किसके पास है, इंडिया के पास है। मीटिंग कहाँ हुई, बेंगलुरु में हुई, और ये इलेक्शन बॉडीज़ की दुनिया की सबसे बड़ी है, बड़ी असेंबली है, दुनिया की सबसे बड़ी असेंबली जो है इलेक्शंस की, इलेक्शन बॉडीज़ की, वो है AWeb। इसके अलावा AWeb जो है ये बनी कब थी, ये बनी थी 2013 में, कहाँ पर, साउथ कोरिया। अगर आपको पूछा जाए इसका परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ पे है, तो वो भी है सियोल, साउथ कोरिया में। तो देखिए, बेंगलुरु में हुई, AWeb बनी 2013 में, लार्जेस्ट असेंबली एसोसिएशन है वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ की, इंडिया चेयर करेगा 2019 से 21 तक, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ है पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे देख लेते हैं नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। तो देखिए, जो लोग हमारे व्यापारी हैं, शॉपकीपर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं, उनके लिए नेशनल पेंशन स्कीम जो है अभी अभी आई है। तो इसमें क्या होगा, 18 से 60 साल तक के लोग जो है वो क्या करेंगे, 18 से 40 साल तक के लोग वो मिनिमम 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पेंशन स्कीम में, और जितना वो डालेंगे उतना ही 50% जो है गवर्नमेंट डालेगी,
और बाद में उनको क्या होगा, 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी मिनिमम 3000 की। तो ये चीज़ें याद रखनी है। इस स्कीम में 50% डालेगी गवर्नमेंट और जितना यानी कि आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही गवर्नमेंट, और 60 साल के बाद आपको मिनिमम पेंशन जो है वो लगेगी कम से कम नहीं तो 3000 पर मंथ की। किनके लिए है? ट्रेडर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, वो लोग, वो शॉपकीपर्स जो टैक्स पे नहीं करते। अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं। कॉर्पेट जो है एक नेवी की एक्सरसाइज है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रल इसको भी कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए कॉर्पेट एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है, तो ये होती है इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच में। तो अभी अभी ये हुई है, किन दो देशों के बीच में होती है ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन। देखिए इसकी इनॉग्रेशन अभी अभी हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो हमारा मोतीहारी है ये है बिहार में, अमलेखगंज है नेपाल में, और ये पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोल की पाइपलाइन जो है बनाई गई है, इनॉग्रेट की गई है। तो अब क्या है कि इंडिया जो है अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल जो है वो नेपाल पहुंचा सके, उसके लिए क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन की जो है इनॉग्रेशन की गई है। लेंथ है 69 किलोमीटर। दूसरी चीज़, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोतीहारी कहाँ पे है, अमलेखगंज कहाँ पे है, दोनों ही जगह इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है इंडिया ने किसके साथ जो है पाइपलाइन जो है इनॉग्रेट की है, जहाँ पे इंडिया पेट्रोल जो है शेयर करेगा, तो वो करेगा नेपाल में। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही जगह पता होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं। क्लाइमेट समिट अभी अभी कहाँ हुई है, तो ये हुई है न्यूयॉर्क में। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अभी अभी क्लाइमेट समिट कहाँ पे हुई है। तो चलते हैं आगे, आगे देखते हैं ई साथी ऐप। देखिए ये अभी अभी लॉन्च की गई है। ई साथी ऐप का कनेक्शन किसके साथ है? देखिए पुलिस के साथ जो है आम नागरिक जो है जुड़ सकें, उसके लिए ई साथी ऐप जो है लॉन्च की गई है। यानी कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो गया या करेक्टर वेरिफिकेशन हो गया या और कोई भी छोटे मोटे जो काम होते हैं पुलिस के साथ, वो आप एक बटन दबाकर इस ऐप के थ्रू कर पाएंगे, ताकि आप पुलिस के कनेक्शन में रहे और आम नागरिकों को जो है सहूलियत दी जा सके। तो ये काम है ई साथी ऐप का। ऐप्स पर क्वेश्चन आते रहते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं डिफेंस एक्सपो 2020। ये मैंने पहले भी कवर किया था, फिर से न्यूज़ में है। देखिए डिफेंस एक्सपो 2020 क्या है? एक तरह की एग्जीबिशन होगी जहाँ पे इंडिया अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को दिखाएगा। तो इसी के रिलेटेड ये डिफेंस एक्सपो 2020 होगी। तो ये कहाँ पे होगी? तो देखिए ये होगी लखनऊ में 2020 में। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज के लिए मैं विराम लेता हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है आपके लिए चुन के लाए जाते हैं, ताकि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिस ना करें और बहुत सारी चीज़ें ना आपको पढ़नी पड़े, लेकिन UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर कर सकें। इस वजह से मेरी एक गुजारिश है कि आप सभी लोग जब भी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, और अगर आपके साथ जो है कोई भी CDS की तैयारी कर रहा है उनके साथ शेयर कर दीजिए। बस आपको अपने एंड पर इतना करना होगा, बाकी करंट अफेयर्स हम सारे इम्पॉर्टेंट कवर कर लेंगे। इसके अलावा मैं फिर से याद दिलवा देता हूँ कि आज AFCAT की ईबुक लेने का लास्ट दिन है डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो आज रात 12 बजे से पहले आप खरीद सकते हैं। 8699247491 पर व्हाट्सएप करके और इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके CDS का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जय हिंद, जल्दी मिलेंगे अगले पार्ट के साथ।